और सारे हिंदू पत्रकारों को ही मारा गया, वहाँ मुस्लिम पत्रकार तो उनको किसी को नहीं मारा गया। उतरा प्रशासन ने बचाव का मांगा, यहाँ वालों ने उठा उठा के प्रशासन जो घायल था उठा उठा के लेके आए लेडीज़ों को। उसके बाद पता पुलिस कर्मी भाग करके आ रहे थे, लेडीज कांस्टेबल थी, उनके कपड़े फटे थे, किसी की शर्ट फटी थी, किसी की जींस फटी थी, सब अपने अपने घरों में लेकर के जा रहे। वो तो हजारों की संख्या में यहाँ तक आ चुके थे, उनके पेट्रोल पंप से फायरिंग थी, सब आग जली करी उन्होंने, हजारों की संख्या आग लगाई है। तो आप लोगों ने काफी मतलब कह सकते हैं पुलिस वालों ने मदद आप लोगों से मांगी? जी जी, पुलिस वालों ने मदद मांगी हमसे, तो हमने से जो संभव मदद हो सकी हमने उनकी की। और वो तो हजारों की संख्या में यहाँ तक आ चुके थे, उनके पेट्रोल पंप से फायरिंग से ही सब आग जनी करी उन्होंने, हजारों की संख्या में। जी हजारों की संख्या में। आप लोग तब यहाँ पे मौजूद थे, आपने क्या देखा? यही देखा, पुलिस कर्मी भाग करके आ रहे थे, लेडीज कांस्टेबल थी, उनके कपड़े फटे थे, किसी की शर्ट फटी थी, किसी की जींस फटी थी, सब अपने अपने घरों में लेकर के जा रहे थे। तो किसी के कोई कपड़े बदल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई फर्स्ट एड दे रहा था, बस यही लोग कर रहे थे। और खुद ही गाड़ियों में भी आग लगाई ताकि प्रशासन उधर फंसा रहे, ना हम इधर से उधर जा पाए, ना प्रशासन उधर से इधर आ पाए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग बता रहे थे ये जो कुछ बैरिकेडिंग्स हैं ये भी लगाए गए थे पहले से ही? हाँ, ये बैरिकेडिंग लगा दिए थे ताकि फोर्स जो है तेजी से बाहर ना निकल सके। तो पर आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ज्यादा घायल थी तो किस तरह से फर्स्ट एड दिया और जितनी जो मदद कर सकते थे उस दिन। मैं भी खड़ा हुआ था शाम के टाइम, बैरिकेडिंग दोनों यहाँ से लगा दी थी, प्रशासन को नहीं निकलने देंगे। उसके बाद पथराव उतरा, प्रशासन ने बचाव का मांगा, यहाँ वालों ने उठा उठा के प्रशासन जो घायल था उठा उठा के लेके आए लेडीज़ों को। उसके बाद पथराव उल्टा इधर हो गया, पत्रकार बंधुओं को भी बहुत मारा, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पैर तोड़ दे। कि संजय कनेरा जी को तो दो फायर मारे, वो मिस हो गए, फिर उनको मरा हुआ छोड़ के चले गए थे। फिर उनको कि जैसे तैसे उठ कर आए, आगे बढ़े, फिर उनको घेर के मारा, फिर उठे, फिर घेर के मारा, फिर उन्हें मरा हुआ छोड़ के चले गए थे। तो पत्रकारों पे इतनी गुस्सा क्यों निकाल रहे थे, क्या लगता है? जो घटनाएं थी पत्रकार उसको दिखा ना सकें, इसलिए उनके कैमरे सब कुछ तोड़ दिया गया। जी, और सारे हिंदू पत्रकारों को ही मारा गया, वहाँ मुस्लिम पत्रकार थे उनको किसी को नहीं मारा गया। हिंदू पत्रकार को ही सिर्फ मारा गया है, आपने क्या और देखा? यही बैरिकेडिंग लगाई थी यहाँ पर, उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई थी और आगजनी खुद करी थी यहाँ पर, ताकि प्रशासन उधर ही रहे, प्रशासन उधर से इधर ना आ पाए, फंसा रहे हैं। और वहीं वो